नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल की पौधे की कटिंग लगाने के बारे में। ये देखिए, मेरे पास कम से कम 3 फीट के आसपास की जार है, जिसे हम कट करके इन दो गमलों पर अप्लाई करेंगे। तो गमले की मिट्टी इसमें मैंने दो तरह की ली है, एक में मैंने काली मिट्टी ली है, हल्का रेत मिक्स की है, और एक मैंने सादी मिट्टी अपने नॉर्मल गार्डन की मिट्टी या फिर ये कहें तो खेत की मिट्टी ली है, इसमें मैंने गोबर की खाद मिक्स की। काली मिट्टी का यह फ़ायदा है कि यह हर समय तक लगभग नमी बनाकर रखती है और जल्दी से सूखती नहीं। तो दोस्तों, आज इन्हीं दोनों गमलों पर हम लोग गुड़हल की कटिंग को अप्लाई करेंगे। कटिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम इसे 6 इंच या 8 इंच के आसपास से दूरी से इसको कट करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ऐसे 1, 2, जैसा कि वीडियो में अकेले बना रहा हूँ इसलिए मुझे बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है। तो दोस्तों, फिर भी मैं इसके लिए बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी कटिंग को मेन कटिंग से अलग किया है। अभी इन कटिंगों को छटाई करके हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको कटिंग लगाने तक की पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये कटिंग अब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इनकी थोड़ा सा छटाई कर लेता हूँ, पत्ते वगैरह छांट देता हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों देखिए, कटिंग पूरी तरह से लगाने के लिए तैयार है। इसे मैंने 45 डिग्री एंगल पे कट किया है ताकि ये आसानी से मैंने इसको सहायता मिलती रहे। दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए क्रो रूट्स हार्मोन पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा को भी प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा में जो गम निकलता है वो रूट्स हार्मोन पाउडर का ही काम करता है। तो देखिए, मैंने इसे स्प्रेडिक किया है और मैं अब इसे लगाना शुरू करूँगा। ये देखिए, देखिए एक गमले पे कम से कम 2-3 कटिंग लगाएंगे, जिससे क्या है कोई ना कोई कटिंग तो विकसित होगी। तो दोस्तों ये देखिए, कटिंग लगा रहा हूँ मैं हार्मोन पाउडर में, मैं इसे डिप कर रहा हूँ। डिप करने के साथ ही मैं इसको कटिंग को नीचे में दूसरे गमले पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये बेहद आसान प्रक्रिया है, आप इसे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। ये नया पौधा गुड़हल का आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गुड़हल की कटिंग से ही कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये तो कचड़ा वेस्टेज है। तो दोस्तों इसी केयर में हमें कुछ नहीं करना है, अभी फिलहाल इसे डायरेक्ट सनलाइट पे हम इसे नहीं रखेंगे, इसे छायादार वाली जगह में रखेंगे और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा तब इसे हम बाहर निकाल कर धूप वाली ओपन सनलाइट वाली जगह पर रखेंगे। तो दोस्तों ये बेहद आसान प्रक्रिया है, आप मेरे द्वारा बताई गई इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उस तरह से आप गुड़हल की कटिंग को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।